बन रही है मेरी चाय और ये दूध रखा है, अभी चाय डालेंगे। और रात को मैं सारी किचन क्लीन करके सोई थी, देखो बस ये कटोरी रात में फिर बेटे ने खाई वो और बर्तन वर्तन सारे। और इधर ये स्मित सो रहा है। तो यहाँ दीदी को मैं सुबह सुबह खाना पीने लगी और मेरे पेट में हो रहा था दर्द, सुबह नहीं खाने पीने से हो रहा था उसके बाद चाय पी। और इधर अंजलि भी सुबह निकली थी और साइड में मम्मी बैठे हैं और बेड पे अंजलि के पापा बैठे। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं, अभी 9:15 हो चुके हैं और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी पूजा। और अंजलि गई आज स्कूल, आज उसका लास्ट डे है बस, स्कूल का पेपर देने ही जाना है। वो भी दूसरे स्कूल में आया है, उनका सेंटर तो उधर ही जाना है। तो अभी कर लेते हैं पूजा और फिर मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। हो चुकी है और मैंने चाय पी ली है, बर्तन रखे और माता की जो जल थोड़े थोड़े जो हैं वो उगने स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी के इतने हो रहे होंगे, आप लोगों के कितने हो रहे हैं मुझसे शेयर करना और माता के दर्शन कर लीजिए। तो चलिए अब करते हैं आगे काम, सब्जी बनानी है और आटा लगाना है। रख रखा है मैंने दूध और मैं भूल गई थी इसको, तो दूध को तो यार वहीं बैठी बैठी फ़ोन देखने लगी। और ये कल सुमित से मंगवाया था कुछ सामान जो ख़त्म हो रहा था, वो चाय चीनी और ये गोलगप्पे वाले, तो गोलगप्पे भी बनाएंगे एक दिन आपके साथ। पानी तो मैं घर पे ही बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी इसको कल वॉश करके रखा था, इसमें ये चीनी डाल लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। पड़े हुए हैं बर्तन, तो बर्तन साफ करेंगे। और सब्जी आज मैंने पेठे की बनाई थी, इसको हम लोग तो पेठा ही बोलते हैं, कई सीताफल भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताना। और इसकी सब्जी बनाऊँगी मैं, तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो दोस्तों क्लीनिंग मेरी सारी हो चुकी है और पोछा वगैरह तो मैंने आज सुबह में ही लगा लिया था, तो सारी हो चुकी है। और किचन को भी मैंने सारा क्लीन कर दिया है और बस अब दिन में रोटी रोटी बनानी है। सब्जी मैंने बना ली है जो आपको दिखाई थी वही है, देखो उसी की बिना, इसमें थोड़ा सा मीठा डाला है, थोड़ा अमचूर। और मैं आपको आज वो पेंट दिखाऊँगी। और ये देखो दोस्तों उस दिन कितने कपड़ों की प्रेस करी थी, और इतने कपड़े तो ये प्रेस वाले हैं, प्रेस होके हो रही है इन पे तो सब पे। और ये देखो कल धोए वो 3-4 जोड़ी फिर हो गए, अब इन पे प्रेस करनी है। और अलमारी देखो, फिर देखो उस दिन सेट की थी ना, फिर ऐसे ही हो रही है, आज इसको भी दोबारा से सेट करेंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो सूट जो मैंने कट करके ले कटवा के लाई थी पैंट उसकी। तो ये देखो सूट तो वही है जो मैं आपको बता रही थी ना, उस दिन दिखाए थे उसी में से ये कुर्तियाँ हैं इनकी। बस एक आगे आगे वाला हिस्सा ही कट किया था, मैं बोली मैं अपने आप कर लूँगी, ये तो साइज की लेके गई थी मैं मेरी ये वाली। और ये पेंट है अभी काटी नहीं है, मतलब इसी पेपर पे कटवा के लाई थी मैं, फिर ये पेपर पे ही रख के फिर काट लूँगी, पेंट नहीं आती मेरे को, सलवार तो काट लेती हूँ मैं। तो इसको रख के काटूँगी आज, टाइम मिलेगा तो यार टाइम ही नहीं मिलता अब देखो। और ये देखो दोस्तों 11:04 हो चुके हैं, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चलता, सुबह उठते हैं तब लगते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है और टाइम का तो कुछ ही नहीं पता चलता। अब इस 11:05 हो गए और अभी देखो अभी बस सुबह के जो मेन काम होते हैं वही है, झाड़ू पोछा, किचन साफ़ करना, दूध नहाना धोना, जोत बत्ती वगैरह, वो सारे काम हुए हैं। और अब आधा घंटा 20 मिनट में रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर वो लंच वाला काम शुरू हो जाएगा। तो एक घंटे के लिए क्या बैठूँ, मेरे को तो मतलब सिलाई करने के लिए भी टाइम नहीं होता। और मैं दिन में तो मेरा सोना बहुत ज़रूरी है, मैं नहीं सोऊँ तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। और होंठ तो अभी ठीक नहीं हुए, देखो कैसे, हाथ तो मेरे बिल्कुल ठीक हो गए और होंठ ना ये फटी रहे हैं। लगा रही हूँ मैं इन पर अभी भी वो लिप गार्ड लगा रही हूँ, पर उससे अभी पहले से तो बहुत फ़र्क है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ठीक नहीं हुए मतलब। तो चलिए दोस्तों देखती हूँ मैं अभी कटिंग करूँगी या तो या फिर कल करूँगी। और अभी मेरे को व्रत भी करना है सोच रही हूँ मैं, संडे की नवमी हमारे यहाँ नवमी की कढ़ाई करते हैं, तो देखूँगी सैटरडे वाला व्रत रख लेंगे मम्मी बेटी या फिर फ्राइडे वाला एक रख लेंगे और फिर संडे को कढ़ाई करनी है माता की। और मैं तो जो कन्या होती है ना उनको
झुग्गी वालियों को ही दी आती हूँ क्योंकि यहाँ मिलती नहीं, और फिर वो मिलती हैं कभी एक आती है कभी दो आती, इकट्ठी आती भी नहीं, और फिर वो खा के भी नहीं जाती। तो मैं तो पिछले साल भी झुग्गी झोपड़ी वाले जो होते हैं ना उन्हीं को दे के आई थी, और अब की बार भी यही सोच रही हूँ डाल उनको ही दे आऊँगी। वो बेचारे खाएँ तो गए, और ये बेचारी ऐसे ही तो सुबह डोलने लगती हैं, बेचारी कुछ खाती हैं ना पीती हैं, वैसे ऐसे ही दो मिनट आके चली जाती है, और वो तो शाम को भी खा लेंगी प्रसाद। तो मैं तो उन्हीं को दे आती हूँ, और आप लोग कैसे करते हैं बताना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और एक बन चुकी हैं, और तवा मैंने रख दिया है, तो के लिए दही है और कुछ दही वो रखा, तो दही और सब्जी मैंने आपको दिखाती थी। तो चलिए गाइस फिर बना लेते हैं रोटियाँ। धुले थे मैंने कपड़े, और कपड़े मैंने सुखा दिए, थोड़े से ही कपड़े थे नीचे, वो पोछा रखा हुआ है, और ये साइड में हमारे दो प्लॉट और खाली पड़े हुए हैं, तो इनमें गंदगी देखो कितनी हो रही है, और ये गाड़ियाँ सभी की भी अभी तो खाली प्लॉट में ही खड़ी होती हैं, और एक ही प्लॉट ही हमारे पीछे पड़ा है, दो साइड में है, और इधर वाले तो तीनों बने हुए हैं, और ये हमारी एसी लग रही है इधर, तो ये बाहर देखो कितनी धूप हो रही है, 1:30 बजे हुआ था तो मैं बालकनी में आई थी, मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि देखो कितनी धूप हो रही है, जैसे लुई चलती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक बारी तो सेट कर दिया, और इनको उठा के बाहर डाल लूँगी, और ये अलमारी को कुछ ऐसे सेट कर दिया, और ये हूँ मैं। तो दोस्तों शाम के बच्चों के हैं अभी 6, और अभी मैं जाऊंगी हमारे साथ में, मतलब थोड़ी दूर पे ही पास में एक मार्केट है, तो वहाँ जाके और कुछ सब्जी वगैरह लेके आनी है। आलू और प्याज तो मैंने ले लिए थे, जो टाटा वाले आते हैं ना उनसे ले लिए थे, और पीछे से सब्जी लेके आऊंगी, और एक मेरी फ्रेंड है उसको कुछ सामान लेके आना, तो हम दोनों ही जने जाएंगे। तो फिर मैं आपको आने के बाद मिलूँगी, और दिखाती हूँ आपको प्याज, बहुत अच्छे प्याज हैं। देखिए 5 किलो प्याज लिए थे, प्याज मैंने इधर लगा दिए, और आलू फ्रिज की नीचे वाली टोकरी में लगा दी है सारे। 6 बज चुके हैं, और धूप अभी भी वैसी की वैसी ही है। देखिए देखो गाइस, इधर से धूप आती है, और इसका ही पेपर है ये उतार के दूसरा वाला लगाऊंगी कल। यहाँ रोज डेली बर्तन साफ करती हूँ, तभी याद आता है मेरे कि यहाँ पेपर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर मैंने वो नहीं लगवाए पर्दे के लिए, स्टील वाली रोड नहीं लगवा रखी, तो फिर मैं यहाँ बस इसमें धूप आते, तो इसमें ये पेपर नीचे खिस गया था, पहले का लगाया हुआ था, शायद दीपावली पे लगाया होगा, अब इसको उतार के दोबारा लगाऊंगी, ऊपर वाले तो यूँ कहीं सेट हो रही है। और ये देखो आज मैंने इनका दोनों का पानी बदल के रख दिया, और आपको एक नई मैंने प्लांट आई है वो भी दिखाती हूँ, चलो। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते नहीं वाली मनी प्लांट, और ये बहुत अच्छी हो रही है, ये देखो कैसे लगी आपको मेरी न्यू मनी प्लांट। और ये जो मेरी फ्रेंड जो मकान खाली करके गई है ना उसकी थी, उनके यार सामान ही बहुत मुश्किल से ठूस ठूस के भरा, वो गाड़ी छोटी आ गई, सामान ज़्यादा हो गया, तो फिर वो गमले यहीं छोड़ गई। कि मनी प्लांट है, एक नीचे गुलाब का है, और एक केले का है, देखो केला भी बहुत अच्छा हो रहा है। और ये रहा केला, और चलो मैं छत भी दिखाती हूँ आपको, कल मैंने धुलाई की थी पूरी छत की, तो ये देखिए
छत भी पूरी क्लीन हो रही है, लेकिन ये रहेगी कितने दिन? बस एक या दो दिन, फिर कल निकल लिया जाए। तिरकल मैंने पूछ कर पूरा प्लांट ये बाहर रखवा दिया, इसको धुलाई कर दी। देखो कितना अच्छा निकल रहा है। और ये इसके नीचे की स्लिप्स और भी तोड़ दी, ये मेरे से टूटी नहीं, देखो बीच में लटका के छोड़ दिया। 6 बजे भी देखो दोस्तों, धूप देखो, ये देखो अब तो जाने वाली है। ये देखो बिल्कुल सर पे है सूरज। और इधर कूलर लगा दिया सुमित का, चला तो नहीं है ये। उधर बच्चे खेल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं मार्केट से आके मिलती हूँ आपको सब्जी वब्जी लाने के बाद। तब तक के लिए बाय। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ये देखो बैडमिंटन खेल रहे हैं नीचे। अभी 5 बजे निकल के आ जाते हैं सारे घर के बाहर। और उधर वो अंकल खेल रहे हैं साथ में। साइज की दुकान पे गए थे मैं और मेरी फ्रेंड, तो वहीं वो कुछ सामान ले रही थी, उसको कुछ लेना था सामान, मेरे को तो कुछ नहीं लेना था। तो ये मैंने वहीं थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी दुकान की। और इन इस पर सारे सामान मिलते, मतलब कॉस्मेटिक के और माता के भी सारे ला रखे थे, टेडी बियर वगैरह, चप्पल, जूते, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वही बस मैंने, और भगवान की माला वगैरह, मूर्तियाँ, ये चीज़ भी रखते हैं। तो वहीं बस थोड़ी सी क्लिप बनाई थी तो आप लोगों को। तो दोस्तों ये लेके आई थी मैं कुछ फ्रूट और कुछ सब्जी। फ्रूट में तरबूज, केले, और सब्जी में तो बस बैंगन लेके आई हूँ, और टमाटर हैं, और 2 किलो खीरे थे, और 1 टाटा नमक। तो बस यही कुछ लेके आई थी कल। ये नमक नहीं लेके आया, मैंने दिखाया था ना जो चीनी वगैरह तो लिया, नमक भूल गया है, तो आज लेके आई हूँ मैं। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो सब्ज़ी लेके मैं आ गई हूँ, और हो चुके हैं अभी 7:15। तो अभी हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करके और अभी करेंगे माता की पूजा। पूजा का टाइम हो चुका है, मैं लेट और हो चुकी, 7:15 बज गए। पैदल गई थी तो आपको पता है 1-1.5 घंटा तो लग जाता है जाने में, आने में, फिर सब्ज़ी लेने में। तो ये था आज का कुछ व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।